नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं। इसको मैंने 26 फंदे में बनाया है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझको कि आपको डोरमेट कैसा लगा। ये दो कलर के हमने गुल्ले लिए हैं और इसमें हमने 26 फंदे डाल रखे हैं। आप इसको और भी बड़ा बना सकते हैं, इससे फंदे का कोई वो नहीं है कितने चाहिए। और ये खाली, और ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा हम पूरा बीन लेंगे। और अब ये देखिए जितने फंदे होते हैं उसके हम आधे फंदे बीनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 फंदे हम ये ग्रीन से बीन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे बचेंगे 12 और 14 फंदे, तो इसमें हम सारे फंदे बीनेंगे। तो ये 12 फंदे हम बीनेंगे और रेड कलर से, यहाँ पे इस तरह से रेड कलर से हम 12 फंदे बीन लेंगे और इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको इसी में फंसा देंगे। तो सारे फंदे अब हम रेड से बीनेंगे और दो फंदे हमारे यहाँ पे छूट जाएंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम रेड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। अब ये देखिए 12 फंदे हमने बीन लिए और दो फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलट लेंगे और ये आ जाएंगे। हमारी ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, और ये सीधी साइड में हम रेड वाले फंदे रेड कलर से पूरे बीनेंगे। इस तरह से सारे फंदे हम रेड वाले रेड से बीन लेंगे। तो सीधी सलाई हमें ऐसे ही बनानी है हर बार। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे रेड से बीन लिए यहाँ तक। अब ये हमारे पूरे ग्रीन के फंदे इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको आगे खींच के आगे लाएंगे। इस तरह से ये हमें हर बार बनाना है, इसी तरह से हमें टाइट करके, नहीं तो ये हमारा यहाँ पे जोड़ है तो ये अलग अलग खींचा खींचा रहेगा। और ये हम ग्रीन वाले सारे फंदे ग्रीन कलर से बीन लेंगे उल्टा उल्टा, और ये सीधी सलाई पूरी हमें हर बार इसी तरह से बनाना पड़ेगा। जो जैसा कलर है उसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हम पूरा बना लिए। तो हमारे यहाँ पे जो जैसा कलर है उसी तरह से हमें यहाँ पे रिपीट करना है। अब ये देखिए हम फिर से आ गए ये उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सारे फंदे हम फिर से ग्रीन वाले पूरे बीनेंगे। बस हमको इसमें फंदे डालते समय यही ध्यान रखना है कि अल्टर फंदे डालना है। जैसे 22 फंदे डालना है, 26 फंदे डालना है, इसी तरह से देखिए ग्रीन वाले हम सारे फंदे इसी तरह से उल्टा। अब ये देखिए हमने ग्रीन के सारे फंदे बीन लिए। अब एक फंदा है, इस धागे को ऐसे करेंगे, एक फंदे को हम ये रेड से बीनेंगे और सारे फंदे ग्रीन येलो वाले पूरा हम सॉरी रेड के पूरे उल्टे उल्टा इसी तरह से बनाएंगे। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे लिए और दो फंदे अब हम रेड के छोड़ देंगे। उस बार ग्रीन के छोड़े थे, अब रेड के, और यहीं से सलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में पूरा ऐसे बना लेंगे रेड वाले रेड से। और यहाँ पे उसी तरह से हम टाइट करके धागा फंसाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ये खींचा खींचा सा रहेगा क्योंकि ये अलग अलग कलर हो जाते हैं। और पूरा ऐसे बीन के कंप्लीट करेंगे। अब ये हमने सीधी सलाई पूरी बीन ली, फिर से आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में आने के बाद में फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ग्रीन के सारे फंदे अब हम फिर से बीन लेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए एक फंदा फिर धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके फिर इसी तरह से बीनेंगे। और ये सारे फंदे अब हम रेड वाले पूरे ऐसे रेड से उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो ये हमारे रेड के फंदे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए हम रेड के सारे फंदे, अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो अभी हमारे ये चार फंदे छूट गए। हर सलाई में हम यहाँ पे नीचे की तरफ दो दो फंदे छोड़ेंगे और रेड के यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे और ये ग्रीन के फंदे कम होते जाएंगे।
और ये सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे ही बनाएंगे, रेड वाले रेड से और ग्रीन वाले ग्रीन कलर से हमें ऐसे ही बना के पूरा। अब ये देखिए हमने फिर से सीधी सिलाई बनाई, फिर आए उल्टी साइड में, फिर इसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे करेंगे और ग्रीन वाले फंदे हम फिर से पूरे बिनेंगे उल्टा उल्टा। अब ये देखिए ग्रीन के हमने सारे फंदे बिन लिए, अब एक फंदा फिर बचा है, फिर इसको हम रेड से बनाएंगे। इसी तरह से हम हर बार एक एक फंदा ये रेड वाला लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और रेड के सारे फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे सारे फंदों को, और दो दो फंदे छोड़ते हुए हम यहाँ पे बढ़ेंगे। अब ये देखिए हमने बिन लिया और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम दो दो फंदे छोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं, और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और पलटने के बाद में सीधी साइड में पूरा ऐसे बना लेंगे, बीन लेंगे जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, तो ये डिजाइन देखिए मेरे आगे की तरफ उभर रही है, ऐसे धीरे धीरे ये फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और फिर ग्रीन के सारे फंदे बिनेंगे, एक फंदा फिर से छोड़ेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बिन लिए, फिर एक फंदा बचा, फिर इस धागे को ऐसे करेंगे, ये ध्यान से करना है, और इसको एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। ये देखिए एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे और सारे फंदे रेड के बिन लेंगे उल्टा उल्टा, सारे फंदे अब हमने रेड के बिन लेंगे और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम दो दो फंदे छोड़ते हुए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक फंदा लेते हुए इसी तरह से, और सीधी सिलाई हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी तरह से बनाऊंगी, जब पूरे जब दो फंदे ये ग्रीन के रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए उसी तरह से हमने बताया, एक एक फंदा ये ग्रीन का हम बढ़ाते हुए यहाँ तक आ गए और दो दो फंदे रेड के छोड़ते हुए यहाँ तक। तो अभी हमारे ये तीन फंदे ग्रीन के बचे हैं और ये तीन फंदे रेड के बचे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से पहला फंदा हम हर बार उतारेंगे, तो ये हमारी किनारी इस तरह से बनती है दोस्तों, जो कि बॉर्डर एकदम डोरमेट में एकदम गुलाई से आता है और लगता है जैसे एक अच्छे से बॉर्डर आ गया। ये भी एक फंदा, ये हमारे दो फंदे हो गए। अब एक फंदे को हम फिर से ग्रीन रेड से बिन लेंगे, ग्रीन वाले को ये देखो एक बिन लिया और एक दो दो फंदे हमने छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब आ जाएंगे सीधी साइड, सीधी साइड में ये दो फंदे रेड वाले रेड से बिनेंगे और ये हमारे दो फंदे ग्रीन के हैं, इनको हम ग्रीन से बिनेंगे। तो अभी हमने दो दो करके रेड के पूरे फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये लास्ट में हमारे दो फंदे ग्रीन के बचते हैं, या तो ये हम पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा बिनेंगे और यहीं से दो फंदे हम ग्रीन के छोड़ के यहीं से पलट लेंगे। तो ये दो फंदे हम ग्रीन से बिन लेंगे, ये देखिए ये रेड वाले हमने दो फंदे छोड़े और ग्रीन के फंदे बिन लिए इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों हमारी एक कली कंप्लीट हो गई इस तरह से। अब हमने फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सारे फंदे अब हम ग्रीन से लास्ट तक बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दो फंदे तो हमने ग्रीन वाले बिने और रेड वाले भी फंदे हम सारे उल्टा उल्टा बिन लेंगे, यहाँ लास्ट तक बिनेंगे पूरा। अब ये देखिए हमने सारे फंदे बिन लिए, रेड वाले हमने पूरे फंदे बिने, अब ये दो फंदे ग्रीन के हैं इनको भी हम बिन लेंगे ग्रीन से। तो ये देखिए ये हमारी एक कली बनके कंप्लीट हो गई। अब हम इस पहले फंदे को फिर उतारेंगे और इसको टाइट करके हम ये सीधे फंदे हम उल्टा उल्टा पूरे सीधी सिलाई पूरी बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से अब हमारी ये एक कली कंप्लीट हो गई, अब हमें दूसरी कली कंप्लीट करना है। तो किस तरह से करेंगे, फिर वही पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और ये 12 फंदे हम ग्रीन के फिर से बिनेंगे। तो एक दो तीन, इस धागे को ऐसे साथ में लेते हुए चलेंगे, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये 12 फंदे हमने ग्रीन से बिन लिए। अब ये 12 फंदे अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक रेड के बिनेंगे, तो और दो फंदे ग्रीन के यहाँ छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से हम ये ग्रीन रेड के 12 फंदे बिनेंगे। तो ये अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी। अभी हमने रेड के फंदे बिन लिए और दो फंदे ग्रीन के छोड़ देंगे।
और ये सलाई यहीं से पलट लेंगे। तो अब ये हमारी दूसरी कली स्टार्ट। फिर एक एक फंदा लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से नीचे से दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये पूरे छोड़ जाएंगे और दो फंदे हमारे लास्ट में ग्रीन के रहते हैं, उनको ग्रीन को रहने देंगे। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे तो हमारा ये बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के, ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लेंगे और ये दो फंदे भी लिए। अभी हमने ये दो दो करके पूरे बना लिए थे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे और इसको टाइट करके अब हम ये रेड वाले सारे फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब ये हमने रेड वाले सारे फंदे बीन लिए हैं। अब ये दो फंदे हमारे ग्रीन के हैं तो इस फंदे को हम इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और यहीं से हम सलाई पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए सलाई पलट के इस फंदे को भी हमने उसके ऊपर चढ़ाया था। अब इस फंदे को भी हम इसी तरह से रेड वाले फंदे के अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए तो ये दोनों फंदे ग्रीन के हमारे घट गए। और धागा आगे करेंगे या सीधा भी रखो तो भी कोई चलेगा। अब एक फंदा इसको बिनेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर इसको बिना इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो इसी तरह से ये हम पूरा फंदे हम घटा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको ढीला ढीला बिन के हमें घटाना है, टाइट नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा। इस तरह से करके हमने पूरे फंदे ये रेड वाले रेड से घटा लिए हैं। इसको हमें ये सीधी साइड से घटाना है, ये इस तरह से। अब ये दो फंदे ग्रीन के हैं तो इनको हम ग्रीन से ही घटाएंगे। तो अब ये फंदे को हम ग्रीन से बिनेंगे और ये रेड को ऐसे निकाल देंगे। फिर ये फंदा ग्रीन का, ये देखिए तो ये दोनों फंदे ये ग्रीन से बिन लिए। तो अब हमने इसको इस तरह से घटा दिया है और ये देखिए हमारा ये इस तरह से ये डोरमेट बन के तैयार हो गया। ये देखो यही पे अब यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे इस तरह से। तो ये हम लास्ट में जो ये शुरू में ग्रीन से पूरी लाइन बनाई थी इसलिए अब यहाँ लास्ट में ग्रीन लाइन बनाएंगे और इसको ऐसे सिलाई मार देंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से डिजाइन आएगी। नहीं तो अगर यहाँ पे ग्रीन की लाइन से हम अगर पूरे फंदे घटा देते तो ये डबल लाइन हो जाती और जो इस तरह से हमारा ये डोरमेट दिखता। अब ऐसे ये हमारा बहुत सुंदर ये डोरमेट इस तरह से बन के तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पे जब हम सिलाई मारेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों।